वेलकम होम, हमारे घर में लड्डू गोपाल आए हैं। इसको ढको। अच्छा ना, यार ये तो आ रही है। अरे मेरा है नहीं तेरा, क्यों बंदा। वाह, आज बर्थडे है मेरा। कितना डरावनी से लग रही हूँ मैं। चल टाइम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नथिंग स्पेशल, बस मंथ है इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कॉलेज के बाद, हाँ मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज के बाद मे भी मैं अपनी बहन के पास जाऊँ। सो लेट्स एंजॉय। मान उठाते हैं। ये जो मम्मी ने मेरे को ले जाने के लिए बोला है, जो मैं पहने नहीं वाली हूँ, और ये मेरी स्कूटी की चाबी जिसकी मेरे को बहुत ज़रूरत है, इसका मेरे को पेट्रोल भरवाना है, और ये मेरे को वहाँ पर देने स्टैंड पर। चलो चलते हैं, बाय बाय। आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भगी गई ट्रेन। मैं पता क्या सोच रही थी, लोग मेट्रो स्टेशन में फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हैं। मेरे को तो ब्लॉग बनाते हुए इतनी शर्म आ रही थी मेट्रो स्टेशन पर, और लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, यहाँ पे ऐसे खड़े हो गए। हो चुका है 12:15, हमें 12:30 बजे तक पहुँचना था, जल्दी आ गए, और हमारी मेट्रो भी तुरंत आ गई। बहुत धूप है यार, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी है। ट्रेन वाले को भी यहीं खड़ा होना था। को सच्ची में कितनी भी ठंड बर्दाश्त हो जाए, लेकिन धूप मेरे को और गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा सर ऐसा फट रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अंशिका नहीं आई? Did you miss me? Yes, a lot. चल रहा है। तो मैं अपनी अकाउंटिंग की पहली क्लास लेने जा रही हूँ। ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पागल लग रही है। मैं खुद इतनी गर्मी में, तू कैसे डिप्रेशन में चली गई? किसी की शादी भी होगी क्या? वो नहीं रही है इसकी शादी, इसीलिए इसकी। अच्छा, मन नहीं करता अब शादी करने का मुझे। मैं सिंगल ही ठीक हूँ। जो भी तुमने स्टोरी लगाई थी, स्टोरी ये नहीं, ये देखो, ये इसका प्यार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जने इसकी स्टोरी है। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आती है। तू जाती हो? ये वाली देखती भी नहीं हूँ बिल्कुल नहीं। हाँ मैं सच्ची में देखती हूँ। दूसरा अकाउंट है ये, दूसरा अकाउंट है, फैन पेज है। अरे यार इसको वो करते हैं, फॉलो करते हैं इसको। करना यार प्लीज, तो टीचर ही नहीं आई। मेरे को अपना लंच ही कर लेना चाहिए था। तूने लगाई है मेहंदी? नहीं, निकाली है, लगानी है। सुंदर, कुछ आ रहा है? कुछ आ रहा है, शादी में जा रही है ये। मेरा नाम है लड़की, पीठ डाली भाई, क्या चल रही है ये? वो टीचर की एक्टिंग कर रही थी तो वो मार रही है उसको टीचर बन के। कॉलेज में वो नहीं होता भैया, दो लड़की में लड़ाई चल रही है, धमाशा नहीं चल रहा हूँ, बाल खींचा वाली। हाँ भाई, मैं तो देख वही तो देख नहीं आया यार। और गर्ल्स कॉलेज में आया किस लिए भाई? यही तो देखना है क्या भाई? इतना प्रेम में रहती है, मैंने तो नहीं देखा इतना प्रेम कभी लड़कियों में। बाहर बाहर होती, बताओ, बाहर बाहर का प्रेम होता है, अंदर का प्रेम। हाँ भाई, लड़कियाँ होती बहुत। चलो क्लास लेने के बाद हम चलते हैं अपने घर को। एक क्लास लेने के लिए इतने दूर आई है, बेचारी। मेरे को लगा था दो है, एक कैंसिल हो गई सही में, और मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल। करेट आइसक्रीम, अब जाके कुछ अच्छा हुआ। अबे कितना शोर आ रहा है यार। हाय, इसके लिए तो तरस रही थी मैं, मेरे मन को तृप्ति मिल गई। हम अपनी लाइन छोड़कर साइड में खड़े हो गए क्योंकि हमसे आइसक्रीम नहीं खत्म हो रही थी। खैर अब तो लेडीज की लाइन भी खत्म हो गई। अभी पता नहीं क्या हो गया था, सर्वर काम नहीं कर रहा था, और मैंने कार्ड रिचार्ज करवाया था, वो वैलिड नहीं बता रहा था। मैं अटक गई थी, मतलब आ ही नहीं पा रही थी। फिर बाद में मैंने टोकन लिया, टोकन का भी कोई यूज़ नहीं था क्योंकि टोकन भी काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने फर्जी तरीके से हमें आर पार करवाया। काम में हमें आधा घंटा लग गया खड़े खड़े वहाँ पे, दिमाग ख़राब हो गया गर्मी में। फाइनली मेरे को मिल चुकी है का, मैं ब्लॉग स्टार्ट करने भूल रही थी, अभी याद आई मेरे को। अभी हमने हर्ट शेक का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ये ड्रिंक, अब बाद में ऑर्डर करेंगे देखेंगे। और हमें 0 डिग्री में कुछ खा पी लिया, उसके बाद इन्होंने प्लेटर रखा वहाँ पर, हम यही मंगा लेते। अच्छा
उसको मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है और इसने स्पेशली बैग मेरे लिए खरीदा हैप्पी बर्थडे का। और अभी इसमें एक ही गिफ्ट है जो कि है एक ओवरसाइज शर्ट, सॉरी टी शर्ट, और अभी एक बाकी है वो कुछ दिनों बाद आएगा। शादी में तूने कलर करवाया? आई है लड़की नाच ना थका है। हम यहाँ पे आ चुके हैं मोमोज खाना, चिल्ली पनीर मोमोज। तेरे क्या सर में दर्द हो रहा है क्या? मुँह छुपा रही है? और अभी ठंडा ठंडा पानी लिया, बहुत प्यास लग रही थी। ये दिया है गिफ्ट, बढ़िया लग रही ना, मेरे को पसंद है। बैक प्रिंट दिखो, रुको एक मिनट दिखा। बिग चामा बिग गैंगस्टर। अब हम बैठे हैं चिल्ली मोमोज खाने के लिए जो मैं लाया था वहाँ से। चल आए बोल, आए बोल, टेस्टी लग रहा है। अंधेरा आ रहा होगा वीडियो में तो मतलब बियर्ड मत समझना, ये जो मेरा लुक बना हुआ है ये देखो, मैंने दो चोटी बना रखी है और इन चोटियों के अंदर भी बहुत सारी प्लेट्स बना रखी हैं जो कि माँ जी ने बनाई है, मतलब आधी माँ जी ने बनाई है और कुछ मैंने बनाई है। तो सर टाइट टाइट हो रहा है ना सर, और वो किस लिए वो कल से बताऊँगी। अब इस अघोरी वाले लुक को खोलने का टाइम आ गया, खोलते हैं। पता नहीं यार, जैसे सोचे थे वैसे हुए नहीं, मतलब मैंने नहीं सोचा था यार कि इतने ज़्यादा फ्लफी फ्लफी हो जाएंगे और वो हो गए। ठीक है, मतलब ठीक है मेरे कमज़ोर बालों को थोड़ी ज़्यादा वो मिल गई पहचान, बट फिर भी यार बहुत ज़्यादा हो गए। कोई बात नहीं, आई मैनेज, मैं इन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी आँखें चढ़ी चढ़ी ऐसे हो रही है क्योंकि मैं रात में सही से सो नहीं पाई, मतलब यार मैं 12:30 बजे लेट गई थी सोने के लिए। उसके बाद मेरे पर कॉल और मैसेज इतने आए कि मैं ना चाह के भी मेरे को उठना पड़ा। और मेरी नींद पता कैसी होती है कि मैं जैसे लेटती हूँ ना, हल्की सी भी शोर मच जाते हैं, फिर मैसेज की तक आवाज़ आ जाती ना तो मेरी नींद खुल जाती है। तो अभी मैंने बाल बांध लिए हैं क्योंकि मैं जा रही हूँ बाबा के पास, बाबा को याद दिलाने की आज मेरा बर्थडे है। बाबा भूल जाता है ना इस वजह से, तो मेरे को हर साल जाना पड़ता है खुद ही। बाबा आज बर्थडे है मेरा, अच्छे से बोलो थोड़ा, हैप्पी बर्थडे। हाँ ये हुई ना बात, आपको भी याद नहीं था आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छे दे रहे फिर आप मेरे को आज गिफ्ट में। गिफ्ट में जो ते नसीब में होएगा तो मिल जाएगा। सही बात, सही बात है, नसीब में लिखा होना चाहिए। बोल रहा मोमोज लाऊंगा, याद रखा करो यार बाबा, आप मेरा बर्थडे हर साल भूल जाते, मेरे को याद दिलाना पड़ता है। क्या कॉलेज की? देखो कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ हैं, तारीफ करो थोड़ी, तारीफ करो। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये सही लग रहा, कैसा लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ ना भाई। आप भी देख लो मेरा बर्थडे लुक कुछ ऐसा। ओके तो जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज, ठीक है, मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन देगी। देखो मैं वीडियो बना रही थी, दाई सामने आके खड़ी हुई, उन्हें भी वीडियो बनाए। चलो माजी और मेरी शक्ल मिलती है ना, हाँ माजी हम दोनों की शक्ल मिलती है क्या? अच्छा तो किसकी है? देख रहे हो लाड़ लड़ा रही है आज बर्थडे है तो, वैसे नहीं लड़ा दी ना। और मम्मी ने तो विश ही नहीं किया मेरे को, है मम्मी? सबसे पहले मैंने विश किया था। हाँ सबसे पहले मम्मी ने विश किया था, जस्ट किडिंग, फिर की ले रही थी। फिर को ले रखा आपने फलूदा? माँ मेरे लिए देखो फलूदा लेने जा रही है, आइसक्रीम लेना है क्योंकि मेरे को वो बहुत पसंद है। हाँ और बाकी माँ जी अपनी शॉपिंग करके आएंगी। नहीं शॉपिंग कुछ नहीं करूँ, शॉपिंग और बाबा को परेशान कर रही हैं, बाबा के साथ जा रही हैं। सो गई थी 3 घंटे सो गई थी, क्योंकि रात को मैं नींद पूरी नहीं हुई थी तो मैं अब सो गई। और मम्मी कहीं गई होंगी अभी तो मैं मेरे लिए किटकैट लाई, मेरे को किटकैट बहुत पसंद है। क्योंकि माँ जी गई थी बाजार वहाँ से लें, देखो रात के लिए ढूक लेना ही है। और मैं मेरे को जो एक आइसक्रीम वो भी पसंद, मतलब फालूदा मेरे को बहुत पसंद है वो लेंगे। ये रहा, ये सारे ये क्या रखा है, यही वही है? हाँ ये सारे वही हैं, देख रहे हो कितने सारे। नहीं अपने बर्थडे पे भी मेरे को काम करना पड़ रहा है अच्छे से,
इन्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था। हैप्पी बर्थडे बोला तो अभी। हाँ शाम में कौन सा बर्थडे होता है, मेरा बर्थडे तो खत्म। हम तो ऐसी हैं। ऐसी हैं। और बल्कि सुबह आए हुए थे पता है मम्मी दो बार, तब भी नहीं बोला एक बार भी। लो देखो याद नहीं था, अब हमारे बर्थडे याद नहीं रहता। याद रहता पापा को। हाँ शर्माते हैं। कभी हमारा बना नहीं ना इस तरह से, तो हमने कभी वो रहा तो नहीं। अब तो बनता है ना, अब तो बच्चे बनाते हैं ना। तो बच्चे कर लेते हैं। कहाँ लाई फिर? कुछ भी नहीं लाया, क्या लाता। और इसने ये तो कह रहा जिंदगी में कभी करता ही नहीं है। और मम्मी देख ना मैं इसे कैसे विश करता हूँ, मेरे को विश भी नहीं करता। जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता तो मैं कहाँ करूँ। पढ़ा लिखा कौन सी बात है, क्यों? ये तो आज की जनरेशन का ये भी आपके ही है। नहीं तरह क्यों बंदा सारा काम कर पड़ा। आदिक लोग का केक नहीं आया था कि कोई आएगा? आदिक लोग का केक मम्मी वहां आई थी कि आदिक लोग लिया। मैंने कहा फिर ये क्या खाएगी, ये कहेगी मेरे को केक दो केक दो, फिर एक किलो लाना पड़ा पूरा। देखो ये गया नहीं आदिक लोग का नाम लेके वहां पे कि केक लेने, जब तक एक किलो का नहीं लोगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं, और एक किलो का ही लेके माना। वो तो जम गई। हाँ जम। ओ यार यार मम्मी तो ये भी जम गई, खराब हो गई। मैगी भी जम गई यार। पागल है क्या, गंदे हाथ लगा रहा है हमारा। 10 बार घूमते हैं पहले तो जम चुका है। ओ बेकार हो चुका है, खा लिया अभी से। बेकार हो गया मम्मी, दिखा ना जरा टेस्ट करके। तू क्यों खा रहा है मेरा? फूफा जी आ गए हैं, थोड़ा लेट होकर पर आ गए। लगेगी ही नहीं वो पत्थर है। लगेगी अब इसमें। इसमें लगेगी। कोट में जाइए। ना ना उठेगा नहीं। बस करो। नहीं ये वो। उसे करो। गलत हो गया ना। उसे कर दो ना। ये इसके अंदर डाल दूँ क्या? नहीं। इसको ढको। Happy birthday to you. Happy birthday. बहुत इंतजार किया था मैंने इनके लिए। यहाँ पसीने आ रहे हैं। कम होम, हमारे घर पे एक नए सदस्य हैं। बाय। चूरियन खा लो गाइस, मैंने बनाया है। तो मेरे पास सुबह एक कमेंट आया था कि बर्थडे स्पेशल ब्लॉग चाहिए, तो यही था मेरा ब्लॉग। वैसे स्पेशल तो हो ही गया क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे आ चुके हैं। और हम लोग यार ऐसे बहुत नॉर्मल तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बचपन से ऐसे ही किया है ना, तो मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं करते, ऐसे ही नॉर्मल हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो बस यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं सोने, तो चलो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, कुछ बुरा लगे तो वो भी कमेंट करके बता देना, सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।